देखिए माँ सरजू जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष वर्ष 2013 से लेकर अभी तक अनवरत 12वें वर्ष में 3 दिवसीय 5 दिवसीय उत्सव होता चला आ रहा है। कभी 5 दिवसीय हुआ, कभी 3 दिवसीय हुआ, लेकिन इस वर्ष क्योंकि माता जी का 12वां जन्मोत्सव आंजनेय सेवा संस्थान के द्वारा मनाया जा रहा है, तो इसलिए ये 7 दिवसीय कथा है। और आज विशेष जो माता जी का जन्मोत्सव है, आज माता जी का जन्मदिन है, माँ सरजू जी का। जैसा हम सारे लोग जानते हैं, देव नदियों में प्रथम देव नदी श्री माँ सरजू जी हैं, जो मानसरोवर से ब्रह्मा जी ने जिन्हें अपने संकल्प के से प्रकट किया था मानसरोवर को, कैलाश के उस उच्च शिखर पर मानसरोवर को, तो वहाँ से ये माँ सरजू जी प्रवाहित हो रही कलकल नाद करती हुई, छलछल नाद करती हुई श्री अवध धाम में। और कितने वर्षों तक प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा की माँ सरजू जी ने, तो आज वो दिन पुनीत अवसर हम सारे लोगों के लिए है, जो जन्मोत्सव हम सारे लोग माता जी का मना रहे हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जैसा कि माना गया है और विदित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही माता जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। सजावट और भव्य दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। 5100 बत्ती की आरती प्रतिदिन हो रही है अनवरत, ये आज तक चलेगी। कल से पुनः अपने स्थान पर माँ सरजू जी की आरती जो 1100 बत्ती की होती थी होगी, और प्रतिदिन अभी 26 तारीख तक इसी तरह से उत्सव का उल्लास हम सारे लोग मनाएंगे। और आप देख रहे हैं आजकल विशेष रूप से भंडारे का कार्यक्रम, लगभग 5000 लोगों के भोजन की व्यवस्था आंजनेय सेवा संस्थान के द्वारा है, और ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया दिव्य रूप से माँ सरजू जी को प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे सुंदर ढंग से माता का तट सजाया जाए, ये मेरा प्रयास है। बाकी माँ की इच्छा के ऊपर है, हमारा वो सामर्थ्य नहीं है, हमारी वो शक्ति नहीं है कि माँ के तट को हम सजा सकें, लेकिन एक प्रयास है जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि माँ जी की झांकी बड़े सुंदर ढंग से की जाए, ये उत्सव अच्छे ढंग से मनाया जाए, ये मेरा प्रयास है।